अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए होम किचन जो टिप के सेक्शन मेरा है, जो मैं आपको होम टिप्स वगैरह बताता हूँ, किचन टिप्स वगैरह बताता हूँ, मैं आज भी आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त सिस्टम की आसान सी एक जो है टिप लेकर आया हूँ। तो इसके लिए ये होता है कि अक्सर हम जो सफ़ेद चने वगैरह पकाते हैं, इवन देन ब्लैक भी, लेकिन सफ़ेद चनों के लिए स्पेशली मैं टिप बता रहा हूँ। तो जब हम उसे गलाने के लिए रखते हैं तो वो उसके छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं, और छिलके सारे ही सारे उतर के अजीब वो जैसे कीचड़ हो जाता है, इस तरह कीचड़ की तरह के वो छोले बन जाते हैं, जिसे हम चिकन छोले भी कहते हैं। बनाम सिंपल सिंपल साबत छोले रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, छिलके उतर जाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान और सिंपल सी मैं आपको टिप बताने लगा हूँ। इसके लिए आपने जितने भी चने आपने उबालने या पकाने, उसे सबसे पहले आपने धोना है। धोने के बाद उसे फ़िल्टर आउट करके पकाने से पहले आपने उसके ऊपर तेल मल देना है, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। 2-3 चम्मच उसके ऊपर डालें, अच्छे तरीके से उसे रब कर लें आपस में। तो वो फिर उसे आप पकाएं तो उसके जो सफ़ेद जो छिलके होते हैं उतरना शुरू हो जाते हैं, वो उतरेंगे नहीं पकाने के दौरान। तो दोस्तों ये एक सिंपल सी एक जो है टिप है, स्पेशली जो चना चाट बना रहे होते हैं उनमें अक्सर ही होते हैं चने उबाले तो उस छिलके ऊपर से उतर जाते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। और आपके चने भी साबुत रहेंगे और छिलके भी नहीं ऊपर से उतरेंगे और अंदर से टेंडर भी हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी छोटी सी किचन टिप पसंद आई होगी, मेरी जो है टिप को। अगर आपको पसंद आई है तो इसे मेरे चैनल को लाइक करें, कॉमेंट्स करें, और मेरे इस वीडियो को नीचे कॉमेंट्स में जो आपने सवाल पूछना है वो भी पूछ सकते हैं आप। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दे के जल्द आप इस टेक केयर।